झगड़ लो उसको और देर से, झगड़ो उसको और देर से, झगड़ लो। अब वो बच्चे को वैसा तूने करा था कमीने, कौन छीन लिया उसके हाथ पाओ की ताकत, वो अच्छी अच्छी तूने छीना, झगड़ लो इसके भी हाथ पाओ की ताकत छीन ली, अब झगड़ो उसको और देर से। क्या करा था तूने छोटे बच्चे के साथ में वैसा, आड़ा कर दिया उसके पाँव की ताकत खींच लिया पूरी, उसके हल्लक की भी ताकत खींच लिया, देखा ना चिरागों में कैसे मेरी फौज आकर मारती, तो बहुत मारे होंगे सबको पकड़ के, सबको जलाने की तैयारी कर, हार जकड़ो उसको, मारते रहो उसको खूब, तारे करके तेको पूरा जला देता हूँ कमबख्त, उसके कैसे कराया तेरे भी कराता हूँ, कितने तेरे साथ है, कितने उतारा करो, करो उतारा नहीं, ठहर उतारा करा के तेको, नहीं 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 सुने आ रहा मुझे, छोटे बच्चे को ऐसा खराबा कर देते हो, बच्चे की वजह उत्ते मामा की ताकत, हाँ उतारा करके तेरी भी शक्ति खत्म करा देता हूँ, देखे ना कैसी शक्ति खत्म करा रहे तो सब, कितने तारीफ को कब मारने आ लेते छोटे बच्चे को, कितना टाइम बचा था, कितना टाइम, कितना बचा था वक्त, कितना ठीक है जलाओ इसको, जलाओ इसका भी उतारा मंगाइए और इसकी भी शक्ति खत्म करा दी, मैं मंगाता हूँ अभी अंकल, एक साथ में जला के कमजोर करा देता हूँ कमीने, जादू तो नस नस में घुस के बैठे उसके, हाँ छोटे बच्चे कब मारने आए थे, कब कब कब, जल्दी टाइम नहीं है, हाँ कब, कितना टाइम बचा था, कैसा मारने आए थे, कैसा मारने आए थे, क्या करके मारने आए थे, जलाओ उसको तेज, जलाओ छोड़ते तूने, जला दे उसको तेज से, छोड़ो मत उसको, नाला को आग लगाओ उसके अंदर, तेरे को भी काट के टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे, बहुत तू क्या बोलते तो लोगों के वसा कर रहा था कमबख्त नालायक, हाँ वो छोटे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, औरत है आदमी है तू, कौन है औरत है क्या, हाँ हाँ कई को जादू कर रही थी उनके घरों पे, हाँ नाम पूछूं क्या, मगर नाम पूछूंगा जल्दी से, इसके दो टुकड़े करेंगे जंजीरा डाल के, देखो हाँ मैं अभी चालू है कैमरा बोल रहा हूँ, तुम्हारी जवाबदारी मेरा कुछ नहीं, तुम बोल रहे बोल के पूछा रहा हूँ, चल रहे बोल नाला, कौन डाली थी तू, कौन है, नहीं बोलती तो भी मैं तेरे हाथा काटने का हुक्म देता अभी, चल तेरे हाथा दे दे हम आपको दोनों, जकड़ लो बुलाओ बाहर से इसके हाथा काट के पसंद करने वालों को, बोल वो छोटे बच्चे को कहीं में खिलाए थे, कहीं में बच्चे ने क्या बिगाड़ा उतने छोटे बच्चे ने, हाथा अड़ंग सब छीन लिया उसका, तो हाँ झगड़ो उसको तेज से, हाँ जोर से लगा पूरी ताकत, कौन थे वो बोलने तो तेरे हाथ जला दूंगा, जलाओ उसके हाथ में आग लगाओ तेज, जलाओ उसके हाथों में तेज से आग लगाओ, झगड़ लो उसको और तेज से, चल बोल तुझे छोड़ू क्या मार दूं, काट के कर दूं भस्म, हाँ फिर जल्दी नाम बता, टाइम नहीं मेरे पास, हाँ हाँ कितने लोग थे, दो थे, कौन से गांव के थे वो, कौन से गांव के थे, कहाँ रहते वो, हाँ वो मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा वैसे ने, उसका वैसा हल कर दिया जादू टोने करके कमीनों, कौन थे वो दो लोग, नाम, हाँ हाँ जल्दी नाम, हाँ कौन थे, हाँ चलाओ उसको जरा तेज के साथ में जकड़ के, हाँ कितने साथी हैं तेरे साथ में पूरे, कहाँ से लाए थे, शमशान से, कब्रस्तान से, कहाँ से, कहाँ से, शमशान से, कितना टाइम होगा लाके, कितना टाइम होगा, एक महीना, दस महीने, एक साल, दो साल, दस साल, कितना टाइम,
9 महीने 8 महीने। ये बच्चे की तुम्हारी तबीयत कब से खराब है? 8 महीने हो रहे शैतान बोल 8 महीने पहले। हाँ जकड़ो उसको और तेज से। दूसरा कौन है? औरत है आदमी तेरे साथ में? औरत। तुम दोनों भी औरत हैं आदमी हैं? औरत। दोनों भी औरत हैं। कौन से शमशान से लाए थे? शमशान का नाम हाँ। और वो बच्चे की तरफ कौन है? उधर भी दूसरा छोड़े लाए क्या? ठीक है तेरा भी उतारा करके तेको भी जला के रख कर देता हूँ उतारे के साथ में। नहीं करा देता ना तेरा भी उतारा कराऊं उतारा नहीं उनको देता सामान पढ़ के उतारे का पूरा। घर को ले जाते घर को ले जाकर रोज वो बच्चे पैसे जलाएंगे और तेरे पैसे भी जलाएंगे फिर तेरी मजा आती ना देखेंगे ना फिर नहीं तो तू नक्को नहीं अब तू रहे उसके अंदर में उतारा कराने लगाता हूँ देखेंगे अब कैसा रहता उतारा तो ओरिजिनल। जोर से सुनने नहीं आ रहा मुझे चिरोड़नी है तो चीख मार के बता मार जोर से जोर से जोर से सुने नहीं आ रहा हम आपको नहीं करा देंगे तेरा भी उतारे करा के तेको भी जला के राख करेंगे चिरागा में भी तेको भी फौज को भेज के मारने लगेंगे। चिरागा में बिठाता हूँ तेको भी और मेरी फौज को पीछे से भेज के देता हूँ वैसा कैसा उसको मार रहे सबको तुम्हारे लोगों को और मारने लगा के तेको भी खुसूसन भस्म कराता हूँ। ये बच्ची को कब मारने आते थे? क्या नाम है इसका? समरीन को कब मारने आते थे? इसको कब मारने आते बच्ची को? फिर क्या करने आते इसको? तबाही बर्बादी करने आते थे? काम धंधे होना नहीं पढ़ाई में तरक्की होना नहीं दिमाग लगना नहीं हाँ दर्द होना हाँ और तबीयत खराब होना हाँ और ऐसी तड़पना हाँ और खाली तड़पना हाँ तड़प के मरना खाली। अच्छा और उसके बाप को क्या कर रहे थे? काम धाम नहीं चलना पैसा नहीं टिकना बर्बाद हो जाना हाँ और बर्बाद होना हाँ रत्ती हो जाना हाँ पूरा बर्बाद हो जाना उन्हें कर्जे में डूब के। अच्छा छोटे बच्चे को क्या कर रहे थे? उसके पाँव आप वहाँ सब छीन लिए थे आड़ंग पूरा उसका डाल दिए थे क्यों ऐसा कर रहे थे? बर्बाद हो जाना उन लोगों। हाँ और वो छोटे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? दुश्मनी थी? नहीं। हाँ नहीं। क्या करा था? तुम्हारी बिल्डिंग तोड़ दिया था? नहीं। खजाना जला दिया था? नहीं। क्या करा था फिर ऐसा? दुनिया में ऐसा बोल के करे कई को दुश्मनी क्या थी? बर्बाद होना। अच्छा और उसके वो और छोटे उसके बहन को भी करे क्या? इसका क्या नाम है? वो दूसरे वाली बहन को भी करे उसके बाद में करते। अच्छा ये बच्ची का क्या लग गए जिसके आंग में अभी छोड़े तो समरीन के क्या लिए? इसका क्या लिए? कपड़ा मट्टी चप्पल क्या लिए थे? कपड़े। क्या लिए थे? कपड़े। कौन से कलर के कपड़े थे वो? हरे। क्या था ड्रेस था क्या था? शर्ट था सलवार थी शर्ट। जोर से बोल कौन से कलर का? हरे। और क्या लिए थे? कुछ भी नहीं शर्ट का था क्या चोरी उसका हरा बाल वाल मट्टी चप्पल कुछ लिए थे क्या? और बाल पूरा शर्ट लिख गए थे शर्ट का टुकड़ा लिख गए थे क्या लिए थे? कहा मिला था शर्ट तुम आपको? तेकर ने था तूने काट के ले ली। अच्छे जादू कर रही लोगों पे कम बखत। हाँ कहाँ रहती तू? कहाँ रहती? जो कुछ उसका जवाब नहीं तो पूरा काट दूंगा। झगड़ो उसको और तेज से। कौन से जादूगर के पास गई थी? हिंदू था मुसलमान था? हिंदू। कितने पैसे दी? 10,000। कम बखत अल्लाह के राह में दी थी उससे पैसे तो दुनिया और आखिरत में दोनों में अजर मिलती थी कभी नहीं जादू आटो ने कर दी उससे पैसे दे दे के। फिर हम कार्ड भी देते ना तुम्हारे पकड़ के फिर बाप का राज चल रहा तुम्हारे तो और क्या करी? कहीं में मिला के खिलाई थी छोटे बच्चे को? खाने में। कौन सा खाना था? घर में खाया था मैं। तेरे घर में खाया था? हाँ। क्या तू उसके घर में गई थी? मेरे घर में। कब की बात है? कब खाया था उन्हें? कितने दिन हो रहे? थोड़े दिन। सच सच बोल कब खिलाई थी?
कितने महीने पहले? हाँ, एक साल होगा। तेरे पास क्या कर रहा था वो बच्चा? कहे के वास्ते छोड़े थे? संभाल बोल के। और तू उसकी रिश्तेदार हो, कैसा करती तू? गलत बात है ना, मरने का नहीं है तेको, जान मुंह में नहीं जाने का, ना लायक नहीं। जान मुंह में डालेगा तेको अल्लाह, कभी नहीं। दुनिया में और आखिरत में दोनों तरफ जान मुंह मिलने वाली तुम्हारा, ना लायक हो, जादूगरों के औलाद हो, बर्बाद होना है। क्या दुश्मनी तेरी उनकी? बर्बाद होना है। बच्ची के बाप ने तेरा घर जलाया था क्या? तेरे मर्द को मारा था? तड़पना लो। क्यों तड़पना? बस खाली तड़प। क्या मतलब? हाँ, बच्ची के बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा था ऐसा जो तू तू ऐसा हो करी? चलाओ जरा इसके दो हाथ में तेजी से आग लगाओ। सवाल के जवाब दे मेरे, तो पूरा काट के भस्म कर दूंगा। चलाओ तेजी से पूरी ताकत, कितनी बड़ी चिरौंडी है तो बता जरा हमारे को भी, हम भी देखेंगे। बहुत जागरूक कर रही लोगों के ऊपर। बच्चे को कायमे मिला के खिलाई थी? कायमे कायमे कौन सा खाना था वो? दुश्मनी क्या थी? तो छोटे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? हाँ, कहाँ रहती तू? कहाँ रहती? नाम तेरा? जोर से जोर से। कितने पैसे दी जादूगर को? कहाँ रहता जादूगर? कौन से गांव का है? गुलबर्ग का। हिंदू है मुसलमान है? हिंदू। कौन से एरिया में रहता वो? जाओ जल्दी बोल, तो काट दूंगा। हाँ, गुलबर्ग में किधर का है? सही बोल, कौन से एरिया में रहता? जलाओ जरा कुत्ते से जगड़ के। चलो बताओ, बच्चे को कब मारने वाली थी? कितनी तारीख बची वाली थी? क्या मुद्दत पे बने थे उसकी तारीख? एक महीना बचा था लास्ट। हाँ, और उसके बाद किसको मारने वाले थे? ये बच्ची को कैसा मारने वाले थे? अच्छा, उसके माँ को क्यों घबराहट हो रही थी बच्ची के? उसको भी खिलाए कुछ? फिर उसको जादू करे? साई बोल, साई बोल, जकड़ो जरा उसको तेज, जकड़ो उसको, सही बता। पागल बोल के करे? उसकी माँ को पागल करने आते दो बच्चों को मार के, तो बाप को क्या कर रहे थे? तभी बर्बादी लगाए थे। और क्या पूछाना तुम्हारे को? और कौन मिले आला तेरे साथ में? कौन है? तेरे अम्मा का क्या नाम है? सही बोल रही? जकड़ो उसको अड़ते जिसे। चलो इसको बन के डाल दो, इनको सबको जलाने की तैयारी करो। इसका उतारा करके इसको जला के राख करा देंगे इसको। नहीं नहीं, तेरा कराता उतारा, ठहर। मरद भी मिले आला है? हाँ, नहीं नहीं मिला मरद? मिला। नहीं मिले आला है? मिले आला। और कितने लोग आए? तीन आए थे लोग। साईं बोल, अभी दो बजे तीनों बोले। साईं बोल, तीनों वाला। कौन तीनों? नामा बोल। रऊफ, फरीद, सुल्ताना। साईं बोल, ठीक है। चलो इसको बन के डालो, इसको उतारा करा के, इसका जला के राख करेंगे, इसके चिरागों में बढ़ा के फौज को भेज के इसको मार मार के चिंदा करके जमीन में गाड़ने लगेंगे ना, तो इसको दो टुकड़े करके खत्म करने लगा देंगे। बोल अब क्या करना तेरे साथ? शुरू छोड़ तो नहीं, जकड़ के रखो इसको तेजी से। और नहीं नहीं, जकड़ लो उसको और तेजी से, जकड़ लो उसको। वैसा कैसे जाता इज्जत से उसको उतारा करा के चला के राख करेंगे? बच्चे को तुमने तुम्हारे बाप का बिगाड़ा था कि कुछ कमीन के बच्चों वैसा कर रहे, अंजाना ले रहे तो। और कुछ पूछना है? होगा।
बिलाओजी जरा कुछ आगे चेहरा फेस मत कवर करो फेस मत उनका मिला पांदे फेस थोड़ी पानी पिला दो साथ में से निकल चलो उधर सामने से ये बहुत गलत बात है कि क्या बिगाड़ी क्या दुश्मन है चल रही थी जो भी है तो ये नहीं करना ऐसे हरकते ला या रहमतुल्लाह मन ला या रहमुन्नास अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे क्या क्या हासिल होने वाला है हसद और जलन इतनी बुरी चीज़ है ये कि तुम्हारी तुम पर नफ्स खाबिज होगी नफसी नफसी कर रहे तुम लोग बोल के तो एक दूसरे पे जादू आंटों ने कर रहे चिड़के जल के हसद और जलन कोई अगर कुछ चीज़ खरीदता तो वो जिंदगी का उसके जुड़ाता उन्हें आधे खाता दो टाइम की रोटी को एक टाइम में खाता एक टाइम के पैसे जोड़ता कोई जिंदगी में चीज़ खरीदता घर कार बंगला गाड़ी जो भी तो उन्हें बहुत मेहनतों से खरीदता तुम लोगों को देखे नहीं जाता चिड़ जाते जलते हसद और जलन करके फिर क्या करते जादू टोने करते एक दूसरे के ऊपर तो ये गलत बात है ना उन्हें कारिज क्यों लिया उन्हें बंगला क्यों लिया उन्हें फ्लैट क्यों खरीदा हम उस पर जाते जादू टोने करते ऐसा करके एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करते तो ये तुम पे जलन और हसद बहुत ज्यादा भर गई तुम्हारे अंदर यानी नफ्स तुम पे काबिज हो गई नफसी कर रहे तुम लोग ज्यादा नफसी करेंगे तो नफ्स कर के अंडर में जो रहेगा तो वो जहन्नुम में जाने वाला है स्वास्थ्य नफ्स का ऐसा है कि नफ्स का विरोध करो नफ्स तुम्हारी अगर बोली कि उन्हें कार लिया बंगला लिया गाड़ी लिया तो हम चिड़ रहे हम चिड़ के उस पर जादू टोना करेंगे नहीं 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 चिड़ो मत अल्लाह के सामने जाओ दो रखत नमाज पढ़ो और उस सजदे में सर रख के बोलो कि तूने अल्लाह उसको कार दिया तो हमको भी तो बंगला दे सकता उसको बंगला दिया तो हमको भी जमीन दे सकता उससे भारी चीज हमको भी दे सकता उसको सोना दिया तो हमको हीरे दे सकता बोलिए अल्लाह से दुआ करके मांगो ना कि अल्लाह तेरा एहसान है मालिक तूने उसको दिया हमको भी तो दे क्योंकि अल्लाह के साथ से उम्मीद रखो ना कि तुम ना उम्मीद हो कैसा एक दूसरे पे जादू आंटों ने करते क्या बहुत गलत बात है बहुत बेबुनियाद बात चल रही है ऐसे ये कोई रीजन आ नहीं है कोई मसले नहीं है जादू आंटों ने करने के कुछ झगड़े की गिरे हो भी गए तो इतना खतरनाक तरीकों से सब करने के नहीं रहती चीज़ ना मामूली बात समझ के माफ कर देना लड़का कर देना क्योंकि ये बहुत बहुत ही क्या बोल तुम लोगों को ऐसा लग रहा हरा 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 सोचे तुम मगर तुम्हारी उससे दुनिया भी बर्बाद हो जा रही है और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो रही किसका क्या जाने वाला है और दुआ मोमिन के लिए हथियार रखे वाली अल्लाह ने कि दुआ मोमिन के लिए हथियार तो क्यों हथियार है दुआ मोमिन के लिए इसलिए तो हथियार है ना कि तुम अगर दुआएं पढ़ेंगे हर चीज़ की तो हर चीज़ से तुम महफूज रहेंगे अल्लाह को तुम्हारी इबादत की गर्ज नहीं है अल्लाह के फरिश्ते ऐसे भी है कि हज़ारों साल से कोई रुकू में है तो करोड़ों साल से कोई सजदे में है तो उनकी तरफ अल्लाह ने देखा भी नहीं तुम्हारी इबादत जो तुम करते हो तुम्हारी ढाल है इबादत तो महफूज रहेंगे सब चीज़ों से इसलिए इबादत करना कुरान की रस्सी को हदीस के कुरान को इन सबको मजबूती से थामना बाकी तुम गैरुल्लाह के पास नहीं जाना काफिरों के जादूगरों के पास जाना मना है शिर्क सख्त मना है ना तुम अल्लाह वालों के पास जाओ दरगाह पे जाओ बुजुर्गाने दिन के पास जाओ वहाँ जाने से तुम्हारा ईमान दीन ताज़ा होता उन्होंने तुम्हें बताते ये पढ़ो वो पढ़ो इबादत करो इबादत की तरफ तुमको उन्होंने रुजू करते जादूगर के साथियों के पास जाएंगे तो उन्होंने तुम्हारी इबादत से हटा के बुत परिस्थिति की तरफ रुजू कराते तो इसलिए ईमान की हिफाजत भी करो और बहुत सारी बातें हैं तखवे पे भी रहो कि तुम फिर ऐसी सब चीज़ों से तुम्हारी रूहानियत तुम्हारा खुद बचा दी और नफसी नफसी नहीं करना इंसान ने नफ्स नफ्स ज्यादा नफ्स बोले तो नफसी क्या कि ये ले लूँ वो कर लूँ करूँ ख्वाहिशात चिड़ जलन हसद ये सब पे कंट्रोल रखो नफ्स को अपने पे हावी मत होने दो और बहुत सारी बातें हैं खैर अल्लाह का सुनने से ज्यादा सबका मन खुली चलो वीडियो पे जाता है सामने मेरे को कैसा है ये सब बातों में बहुत तजुर्बा है और बहुत इल्म है लोग क्या समझते कि मैं कुछ दे दे रहा हूँ लिखा कि सबका अलग अलग रहता किसी किसी का रहता कुछ सामान लिखा देता हूँ बाजार से लाना घर को ले जाना घर पे अमल करना किसी को कुछ चिरागा देता हूँ चिरागों के अंदर कैसा पड़ता हूँ चिरागों में आते और बहुत बुरा मारते मेरी फौज आके और दूसरी बात कि उसने वो भी बोला कि उधर से क्या होता जो भी सामान देता मैं बना के पढ़ा के घर को ले जाके अपना अपना जलाना अमल करना तो उससे क्या होता वो भी शैतान का खतर काबरे तो सुन के उसका नाम नहीं देना तो मेरे बहुत सारा तजुर्बा है इसलिए तो मैं कुछ जिसको जो लगता हो बरोबर लिखा के देता हूँ उस हिसाब से अमल कराता हूँ समझे ऐसी बात रहती है वो मेरे जमाने तो नहीं मैंने पूछा भी दिया ना शैतान से हर इसमें पूछा वाला मैं इस वास्ते गौर से देखना शुरू से आखिर तक तो तुमको सब समझता बाकी तो चोरा बहुत बैठे आले जगह जगह चोरों के हाथ में नहीं जाना डुप्लीकेट इलाज वालों के पास में और सबसे बड़ी बात
कुरान और हदीस की रस्सी को पहले से अगर मजबूती से थाम के रखेंगे फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए, इसलिए इबादत ज्यादा करना। चलो रोना।